दुर्भागी एक्सीडेंट में एक्सीडेंट के कारणों की जांच होगी। जिला प्रशासन ने बेहतर काम किया। विधानसभा अध्यक्ष ने संजय गांधी अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की, फल दिया, पूछे हालचाल। सुहागी एक्सीडेंट के कारणों की जांच होगी। जिला प्रशासन ने बेहतर काम किया। विधानसभा अध्यक्ष ने संजय गांधी अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की, फल दिया, पूछा हालचाल। अभी भी 10 एक्सीडेंट में मरीज संजय गांधी अस्पताल में भर्ती। घटना के कारणों की हम जांच कराएंगे। इसके लिए टीम का गठन किया जाएगा। इस जगह पर सर्वाधिक एक्सीडेंट क्यों होते हैं? मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने घायलों को देखने के बाद पत्रकारों से कहा। सुहागी एक्सीडेंट में घायलों को देखने पहुंचे संजय गांधी अस्पताल में अभी भी यहां पर 10 घायल यात्री अपना इलाज करा रहे हैं। अच्छी बात, सभी की हालत बेहतर है। हम आपको बता दें, शुक्रवार की रात नेशनल हाईवे 30 में मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे सुहागी पहाड़ में भीषण सड़क हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई थी। सारे के सारे यात्री सिकंदराबाद से गोरखपुर जा रहे थे। सभी उसी इलाके के आसपास के रहने वाले हैं। हमारे रीवा जिले में एक बड़ी दुखद घटना है, जहां पर 14 कैजुअल्टी हुई हूँ एक साथ एक बस में, और करीब 30 से ज़्यादा व्यक्ति घायल हुए हों। इससे बड़ी दुर्घटना कुछ हो नहीं सकती। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे प्रशासन ने, कलेक्टर, SP, डॉक्टरों ने और ख़ासतौर पर उस गांव वालों ने सारी रात मेहनत करके उनको निकालने का काम किया है। और प्रशासन ने जिनका मोबाइल मिल गया, ID कार्ड मिल गया उनको, ठीक है, बाकी सबकी फ़ोटो रिलीज कराई है। उत्तर प्रदेश के PS को, CS को, तमाम सारे लोगों को भेजा गया है फ़ोटो पहचान के। केवल एक डेड बॉडी बची हुई, जिसकी अभी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सका। उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी हो जाएगा, उसको भेजेंगे। बाकी सारी व्यवस्था हो ही रही है। CM साहब चिंता कर रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं कि क्या हो सकता है। बाकी जिला प्रशासन पूरी ताकत से लगा हुआ है। मैं उसको परीक्षण करेंगे, क्योंकि बार बार वहीं पर एक्सीडेंट होता है। स्वाभाविक है, थोड़ा टर्निंग हमको लगता है कुछ ज़्यादा है, तो वो तो एक्सपर्ट ही बताएंगे। MPRDC वाले से कहेंगे, कलेक्टर साहब को भी कहेंगे, उनके बैठक बुला में सड़क सुरक्षा वाला जो बन जाता है उसकी बैठक बुलाकर उनको देखें कि आखिरकार गड़बड़ क्या होता है, बार बार क्यों इस तरह से होता है। सर, एक दिक्कत और भी है, बसें रीवा से UP के लिए बहुत कम जाती हैं, और जिसकी वजह से दूसरी गाड़ियों में भीड़ बहुत होती है। नहीं, ये इशू नहीं है, अगर ये हैदराबाद से ही आ रहे हैं। मेरा सवाल ये कि MP से UP के लिए कोई भी बसें उपलब्ध नहीं, जो दूर बस चलती रही है, तो क्या इस तरीके से आपके दिमाग में आगे चल के कोई प्लान है? वो तो ट्रांसफर इलाहाबाद से बसों का इंतजाम है। वो इंटर स्टेट का पहले से परमिट मिलता था, अब स्टेट कैरिज परमिट है, आपका नेशनल परमिट है या टूरिस्ट परमिट है, इस तरह के परमिट निकलते हैं। उसमें भी कई तरह की समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं का कोई सामंजस्य निकल सकता हो जिससे आवागमन में सुविधा हो सके, ये देखना पड़ेगा।